बंद का असर बेअसर। मैनपुरी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से किसान और विपक्षी नेताओं की रणनीति हुई फेल। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाया गया किसान सुधार कानून के विरोध में आज किसान संगठनों भारत बंद का ऐलान किया गया। मैनपुरी जिले में इस बंद को लेकर किसान संगठनों और तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तो बड़े जोर शोर से की गई थी, मगर आम जनता ने जिस तरह से आंदोलन का आह्वान किया, बाजार बंद का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन जनपद में बंद का कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दिया। कई जगह किसानों और विपक्षी नेताओं ने बाजार बंद करवाने की कोशिश की, मगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। पुलिस ने ज्यादातर विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार किया या उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। मैनपुरी जिले में कल ही किसान संगठनों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार कर ली थी। ऊपर से तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा भारत बंद का समर्थन किए जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ बंद हो जाएगा, और दावे भी कुछ इसी तरह के थे। मगर आज सुबह हुई तो ज्यादातर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए गए, जिसे बंद का कुछ खास असर दिखाई नहीं दिया। कुछ जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प जरूर हुई, मगर किसानों की पुलिस की सक्रियता से सब कुछ सामान्य हो गया। किसानों के भारत बंद को धार देने के लिए जिले के अधिवक्ता संघ ने भी अपना समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा तो जरूर लिया, मगर कुछ खास करने में वह भी बेअसर रहे। पुलिस ने सभी हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। हालांकि कई जगह किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर धरने को खत्म कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि जिस तरह आज भाजपा सरकार इस आंदोलन को दबाने में जुटी हुई है, किसान परेशान होकर दिल्ली सहित पूरे देश में आंदोलन है। अगर बिल लाना ही था तो पहले किसानों से सरकार बात कर लेती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जब भारत बंद है तो हमें घरों के अंदर नजरबंद किया जा रहा है। मैनपुरी से दिलनवाज की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। जितना भी ट्रैफिक चल रहा है या आम दिनों से भी ज़्यादा ही आज व्यापार है, क्योंकि हम लोगों की तरफ से एक मैसेज गया था कि सुरक्षा के लिए कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। हर जगह हमने फोर्स एहतियातन तौर से लगा दिया है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। सभी दुकानदार बंधुओं से हमारी और DM साहब की बात हो गई है, और ये भी संदेश सख्त रूप से दे दिया गया है पुलिस को भी और अन्य सभी को भी, यदि किसी की मर्जी के खिलाफ कोई हल्का सा भी कहने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त से सख्त या 7 CLA की धारा भी लगाई जाएगी और उसको जेल भी भेजा जाएगा, उसमें कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर कोई जबरन बाजार खुले हुए हैं या यातायात आप देख सकते हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है, ऐसा कोई ऐसी कुछ चर्चाएं मिल रही थी कि सपा के लोग कुछ सड़कों पर निकले हुए हैं, दुकानें जबरन बंद करा रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर जबरन किसी ने कार्रवाई की तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई, बिल्कुल समझा दिया गया हिंदी।